हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास फोर्थ, एक्सरसाइज 13.3। सबट्रैक्ट द फ्लोइंग फ्रैक्शन। स्टूडेंट, अभी आपने प्रीवियस जो एक्सरसाइज थी उसमें आपने ऐड के क्वेश्चन सीखे थे, है ना। तो अगर आपसे ऐड के क्वेश्चन इसी तरह आ गए तो आप इन्हें आराम से कर सकते हैं। सारे स्टेप में ही हैं, कोई भी चेंज नहीं है, बस आपको प्लस की जगह माइनस करना है, बस इतना ही चेंजिंग है। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखेंगे कि लाइक फ्रैक्शन है या अनलाइक है। तो आपको पता लाइक फ्रैक्शन है तो एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं है, तो इक्वल लगाइए। हमेशा न्यूमरेटर प्लस करते हैं, डेनोमिनेटर ना कभी प्लस होते ना माइनस होते। तो 5 में से 3 माइनस कर दीजिए, 2/17 आ गया और ये इसका आंसर है। इसके भी ये भी लाइक फ्रैक्शन है, तो 6 में से और 9 में से 6 माइनस कर दीजिए, 3/14 आ गया और ये इसका आंसर है, है ना। आप 13 में से आप 7 माइनस कर दीजिए, 6/15 आ जाएगा। लेकिन स्टूडेंट, ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन है हमारी, ये अपनी लोएस्ट टर्म में नहीं है। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 3 आ जाएगा, है ना। अब हम इसे 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 2 6 और 3 5 15, तो ये इसका आंसर आ गया, है ना। अब जो नेक्स्ट है, ये भी लाइक फ्रैक्शन नहीं है, लाइक फ्रैक्शन नहीं है, तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम ले लेंगे 4 और 6 का। उसे करेंगे 2 आ गया, 3 आ गया, फिर 2 से करेंगे 1 आ गया, 3 आ गया, फिर 3 से करेंगे 1 आ गया, 1 आ गया। तो 2 × 2 × 3, 2 × 4, 4 × 3 = 12, LCM। तो इसका ये LCM आ गया, है ना। अब क्या करेंगे, इस एलसीएम को हम इससे डिवाइड करेंगे, 4 × 3 = 12, 3 × 3 = 9 माइनस, इस 6 से करेंगे 2 आ जाएगा, 2 × 3, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9/12 − 6, तो 3/12 आ जाएगा, है ना स्टूडेंट। तो अब 3 के टेबल में 12 आता है, हम इसे 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, तो ये आंसर आ गया है इसका, है ना। अब ये वाला क्वेश्चन, जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें भी एलसीएम लेना होगा, 25 का और 10 का एलसीएम 50 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे, होने का नहीं, 5 / 10 हो जाएगा, फिर 3 से नहीं होने का, 5 से ही होगा, 5 और 1 = 1, 1, तो 2 × 5 × 5 = 50 LCM। तो 50 को यहां लिख देंगे और 25 से डिवाइड कर देंगे, 2 times हो जाएगा 2 × 8 माइनस 10 से डिवाइड करेंगे, 5 आ जाएगा, 5 × 1 = 8, 2 = 16 माइनस 5 = 50, तो क्या आ जाएगा जी, 11/50 आ जाएगा और ये इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर एफ का भी एलसीएम लेना है जी, 5 50, 3 से ले लेंगे, 5 सेम का सेम रहेगा, यहाँ भी 5 आ जाएगा, फिर 5 से ले देंगे 1 1, तो 3 × 5 = 15 एलसीएम, है ना। तो हम 15 को डिवाइड कर देंगे 5 से, 3 बार हो जाएगा, 3 × 4 माइनस 15 × 15 × 8, तो जी 3 × 4 = 12 माइनस 8 × 1 = 8, 15, तो 12 में से 8 माइनस कर देंगे, 4 रह जाएगा और 15, यही आपका आंसर हो जाएगा,
है ना स्टूडेंट। अब लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए, 16 और 12 का एलसीएम ले जाए तो 8 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, फिर 2 से 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर 2 से 2 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, फिर 2 से 1 आ जाएगा और 3, फिर 1 1, तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 टाइम आया और एक टाइम 3, तो 2 2 4, 4 8, 8 2 16, 3 4 48 LCM। अब 48 को आप 8 से डिवाइड कर लीजिए, 8 6 48 15 24 से डिवाइड कीजिए, 2 टाइम हो जाएगा मल्टीप्लाई 5, 15 6 90 − 5 2 10, 1 whole 32/48 आंसर आ गया। और जो अपनी लोएस्ट रन में नहीं है तो हम इसे लोएस्ट रन में भी कर लेंगे, लोएस्ट रन में करने के लिए हम इसे 8 से डिवाइड कर देंगे, अगर आप इसका एलसीएम लेकर देखेंगे तो 8 ही आएगा, 8 4 = 32 और 8 6 = 48 नहीं भाई ये तो आगे भी होता है क्योंकि ये भी अपनी लोएस्ट रन में नहीं आया, हम इसे स्टूडेंट इसे 16 से करेंगे, इसका जो एलसीएम आएगा वो 16 ही आएगा। तो ये इसका आंसर आ गया। अब लास्ट वाला क्वेश्चन देख लीजिए, इसका एच 824 का एलसीएम लेंगे, 2 से करेंगे 4 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 2 आ जाएगा और 6 आ जाएगा, है ना, फिर 2 से करेंगे 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, अब 3 से कर देंगे 1 1, अब क्या आंसर आ गया, 2 × 2 × 3 × 3, 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 3 = 24, LCM। तो 8 से डिवाइड कर देंगे 3 टाइम हो जाएगा मल्टीप्लाई 15 − 24 × 24 1 × 5, तो 3 5 = 45 − 5/24 45 में से 5 माइनस कर दिया, 40/24 है। अभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आया तो हम इसे डिवाइड कर ले, हम इस फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 40 को 24 से, 1 जाए चल जाएगी, यहाँ 6 बच जाएगा, किधर चला गया, यहाँ 1 रह जाएगा, तो स्टूडेंट क्या आंसर आ गया, 1 whole 16/24, और ये भी अपनी लोएस्ट रन में नहीं है, इसका से आप देख लीजिए क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, तो इसे 8 से डिवाइड कर दीजिए, 8 2 = 16, 8 3 = 24, 1 whole 2/3 आंसर आ गया, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए स्टूडेंट
डेनोमिनेटर हमेशा सेम होते हैं। अगर आप माइनस कर रहे हैं, डेनोमिनेटर के नीचे बैलेंस दिया गया है, तो आपको पता कि डेनोमिनेटर हमेशा सेम ही आएगा, चेंज नहीं होगा। तो यहाँ भी नाइन है, यहाँ भी नाइन है, तो आंसर में भी नाइन ही आएगा। ठीक है जी। अब आपको यहाँ न्यूमरेटर नहीं पता कि भाई क्या आ रहा है, यहाँ बैलेंस दिया हुआ है, तो स्टूडेंट आप 12 में से 3 माइनस कर दीजिए तो क्या बचेगा, 9। ठीक है जी। अब आप 12 में से 9 माइनस करके देखिए, आंसर 3 ही आएगा। अगर इस तरह आता है तो ठीक है। ठीक है जी। अगर शुरू वाली डिजिट नहीं दी गई माइनस में आपको, तो जो आपने माइनस की जो आपका आंसर आया, दोनों को ऐड कर दीजिए, 4 को और 3 को, 7 आ जाएगा। अब 7 में से आप 4 माइनस करके देख लीजिए, 3 आंसर आएगा, है ना। तो स्टूडेंट इसमें भी डेनोमिनेटर है, तो यहाँ भी 21 ही आएगा। ये तो आपको हमने समझा चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट जैसे कि आप जानते हैं कि भाई सबसे पहले अगर होल वाली फ्रैक्शन है, यानी कि हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है, तो सबसे पहले उनके होल रिमूव करते हैं। तो कर लीजिए 8 3 24 24 और 3 27 माइनस 8 1 8 8 2 10। आप देख रहे हैं कि डेनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं है, तो 17/8 आ गया, है ना, 17/8 आ गया। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसे 8 से डिवाइड कर देंगे, 8 1 8, 2 जा चलने की नहीं, है ना, 17 में से 8 गई, 17 में से आपको 8 माइनस करना है, क्योंकि 8 1 8 तो ये आ गया, तो कितना हो गया जी, 9 बच गई, 2 जा चल जाएगी स्टूडेंट, 2 जा चलो भाई, 16 1 बचेगा, आंसर आ गया। ठीक है। अब 6 3 18 18 और 4 22 माइनस 12 2 24 4 1 5 और 2 1 3। अब जी क्या है, इनके डेनोमिनेटर सेम नहीं है, तो एलसीएम लेना होगा, एलसीएम 12 ही आ जाएगा इसका, LCM 6 से डिवाइड कर दिया, 2 आ गया, 1 आ गया, 44 माइनस 35 है ना जी। अब 4 में से 5 माइनस होने के नहीं, आप 14 हो गए, है ना, 14 में से आप 5 माइनस कर लीजिए, कितने बच गए, 9। एक दर्श लगाता 9 ही बचेंगे। अब अगर इनका से अपने 3 आ जाएगा, 3 3 9 3 4 12, तो ये आंसर आ गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 3। फाइव माइनस 1/4/9, तो स्टूडेंट ये भी सेम का सेम होगा, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, है ना, और इनके होल रिमूव कर लेते हैं, 9 1 9 4 30, तो इनका एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं है, 9 ही आ जाएगा। तो यहाँ 9 × 5 − 1 × 30, ये नीचे नहीं जा रहा होगा इतना,
तो 9 5 45 माइनस 13 अपॉन 9, तो माइनस कर लीजिए, 5 में से 3 गए 2 और 4 में से 1 गए 3 अपॉन 9, तो अब इसे डिवाइड कर दीजिए, कितनी बार चल जाएगा, 3 बार 27 5 बच जाएंगे अपॉन 9, तो ये आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। सिक्स एट जा 48 और 149, 16 और 390, तो इनका एलसीएम ले लेंगे भाई, 8 का और 4 का, 8 ही आ जाएगा। एट वन जा 8, टू 90 भाई वन से हुआ तो 49 का 49 ही आ जाएगा, माइनस 38 अपॉन 8, 9 में से 8 माइनस कर दिया 1 और 4 में से 3 माइनस कर दिया 1, तो बस यही आंसर है इसमें, नहीं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है स्टूडेंट, तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में करना ही होगा। 8 वन जा 8, 3 रिमाइंडर बच गए, तो ये आंसर आ गया इसका। ठीक है जी, अब ई फोर होल 7 अपॉन 8 माइनस 1 होल 11 अपॉन 24, एट फोर जा 32 और 7 39 माइनस 20